शगुन आपसे जानना चाहूँ और सुप्रिया जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, ये कितना आपकी मम्मी बनी तो आपको ज़्यादा इनसे सीख है? मैम वैसे तो ये खुद ही बहुत टैलेंटेड है। नहीं नहीं मैम पहले भी मैंने मैम सिखाया और इससे पहले एक कॉम्पिटिटिव चैनल पे हम लोग काम करते थे, मैम अलग शो का हिस्सा थी और वो पूरे उस परिवार को वो सांझी माँ हैं और हम सब चाहे मैं चाहे आशीष सिंह चाहे बाकी शोज के बच्चे माओ का हाथ सीरियल इंडस्ट्री पर तो है ही और सारी लेडीज का हाथ है इसलिए वहां के बच्चे इतना बेहतर करते हैं बाकी मीडियम से। ओटीटी जाते हैं चले जाते हैं कुछ हिट होते कुछ नहीं होते लेकिन टीवी पे महिलाओं का उनकी नर्चरिंग वो जो एक मटर्नल क्वालिटी होती है उस वजह से हम लोगों के शोज इतने बेहतर कर पाते हैं प्रॉस्पेरस रहते हैं। तो वहां पर आई ऑलवेज वॉन्टेड एक टू डू लिस्ट में चीज थी कि मैम कभी मेरी माँ प्ले करेंगी तो जिस डीप इमोशन के साथ मैं वो परफॉर्म कर पाऊंगा जो मुझे लगेगा मैं क्या एक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो प्योरिटी ऑफ इमोशन कन्वे हो जाना कैप्चर हो जाना और जब ऐसे आपको एक इतने स्किल्ड आर्टिस्ट और अच्छे दिल के इंसान प्लस वो माँ स्वीकार करती है अपने बच्चों को वो करने का मौका मिलता है तो आई थिंक देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। एंड फिर वो ट्रांसलेट भी होता है ऑन एंड ऑफ चाहे वो पराठों के साथ मैम मुझे पराठे खिलाती हैं या हरिल साहब कुछ खाना भेजते हैं तो वो एक परिवार है ना। आई थिंक कुछ रिश्ते बहुत ज्यादा बातचीत की जरूरत नहीं होती वो नजर से नजर मिलाकर ही समझ जाते हैं कि इसके दिल में क्या है इनके दिल में क्या है और वो जीवन आजीवन निभते हैं तो टच वुड आई थिंक दिस इज वन ऑफ देम। इसने तो मुझे रुला ही दिया। नहीं सच में गॉड ब्लेस यू। पहले तो मैं क्या कहते हैं इसका बर्थडे था अभी और ये अपना इतना क्योंकि बिजी रहता है तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए थोड़ा सा हमसे दूर गया था। सबको मैं बोलना चाहती हूँ कि आप सब इसको बहुत सारा प्यार दीजिए उसे बहुत सारी दुआएं दीजिए कि हमेशा जो जो ये पाना चाहता है वो ये पाले। छोटा सा है अभी लेकिन लंबा बहुत है ना इसलिए लगता है कि थोड़ा बड़ा हो गया बट थैंक यू सो मच शगुन फॉर लविंग मी। एंड ये सही कह रहा है कि हम लोग एक दूसरे चैनल पे थे बहुत सालों तक और मतलब मैं भी जब भी उसको देखती थी मैं इसके काम को काफी सराहती थी और मैं तो पता नहीं क्यों वहाँ सभी बच्चों से मुझे बहुत प्यार था और मेरे जो खुद के बच्चे थे वो भी डांटते थे क्या मतलब आप क्या उनकी माँ हो तो मैं बोलती थी यार वो बर्थडे पे अच्छा करते हैं तो मुँह से तारीफ तो निकलती है और एक बच्चा वो श्रुति जैसे हमेशा बोलती थी आपको मदर सिंड्रोम है तो मैं बोलती थी हाँ घर पे दो बच्चे हैं तो सब अपने बच्चे जैसे ही लगते हैं और अपने बच्चे ही मान लेते हैं जैसे मेरी बेटी बाहर है तो उसको कोई खाना खिलाता है तो ये अपने मम्मी से दूर है तो उसको खाना खिला दिया तो ऐसा लगता है कि यही है और क्या जिंदगी में चाहिए अगर ऐसा देखिए आप लोग को लगता है मैं ऐसे बोलते आइए आइए सुजीता ये देखिए ये आ गया है ये देखिए ऐसे जो गाजर का हलवा है मैंने खुद बनाया हाँ पराठी जरूर कुक ने बनाई है लेकिन ये सब आता है और ऐसे जीवन का पार्ट है बस खाते पीते अपनी जिंदगी बिताते और क्योंकि इससे जो ये हमारी कलाकारी है हमारा एक्टिंग है उससे हमें प्यार है तो उसे पूरा हम ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं और साथ साथ तो खाना पीना प्यार नाचना ये सब चलता ही रहता है। मैम ऑनेस्टली एफर्ट तो देखिए क्योंकि हम अपने काम से बहुत प्यार करते हैं तो वो नेचुरल फर्स्ट इंस्टिंक्ट है कि मेहनत करनी है अच्छा सीन करना है लेकिन यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं ठीक है जैसे कि मैम है जैसे कि वरदान साहब है हमारे डायरेक्टर साहब है हमारा प्रोडक्शन हाउस की सबसे बड़ी अच्छी बात है कि रिश्ते बहुत बांध के रखते हैं और साथ में रहते हैं। बुलबुल है दृष्टि है वी आर ऑल फ्रेंड्स वी आर ऑल फैमिली एंड देन फिर वो चीज ट्रांसलेट होती है सीन में जिसकी वजह से रिलेटेबल लगता है ऐसा लगता है शायद एक माँ होंगी सुलक्षणा जी जैसी एक बेटा होगा वीर जैसा एक पिता होंगे वरदान साहब जैसे जो मजाक करते होंगे एक थोड़ी भोली सी ऐसे चंचल सी बहू होगी घर में तो आप जब रिलेट करते हैं और जनता फिर आपको अपने घर के अंदर आने की इजाजत देती है कलर्स के माध्यम से तो बहुत मजा आता है और मेहनत का फल मिले इससे ज्यादा तो हम कुछ और मांगना नहीं चाहते तो अपनी मेहनत करते हैं और ऊपर वाले को कहते हैं कि हाथ बनाए रख जी। और बहुत सारा थैंक यू कहना चाहेंगे उन सभी व्यूअर्स को उन सभी फ्रेंड्स को जो लोग हमारा शो देखते हैं पसंद करते हैं। सो कीप वॉचिंग मेरा बलम थानेदार एट 9:30 ओनली ऑन कलर्स एंड जियो सिनेमा अगर मैं सो जाए तो। थैंक यू थैंक यू।